हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ईशोपनिषद का मंत्र 17 पढ़ेंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ईशोपनिषद में बताया गया है कि किस तरह भगवान और भगवान की सत्ता और भगवान के अस्तित्व के बारे में भी काफी एक्सप्लेनेशन मिला। तो इसमें लास्ट जो सेक्शन चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है ना, कि भगवान क्या करें, अपना जो ब्रह्म का तेज का आवरण है वो हटा ले ताकि उनके सुंदर मुख का दर्शन कर सके। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रह्म रियलाइजेशन की जो तीन अवस्थाएं भागवत में बताई गई वो बिल्कुल ठीक है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान है ना। तो पहले अगर जो लोग ज्ञानी होते हैं उनको केवल ब्रह्म रियलाइजेशन होता है, प्रकाश ब्रह्म ज्योति के बारे में ही पता चलता है भगवान के बारे में। तो वो तो भगवान के शरीर की आभा है, भगवान के बारे में पूर्ण सत्य नहीं है, इसीलिए भ्रमित होते हैं लोग और फिर वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ता है ना। लेकिन जब हम भगवान रियलाइजेशन जो लास्ट स्टेप है परमात्मा के बाद का, वो रियलाइजेशन केवल भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए भक्त जानते हैं कि भगवान का एक रूप है जो कि भौतिक कलमश से अत्यंत दूर रहता है, कभी भी भगवान वो भौतिक कलमश से प्रभावित नहीं होते, सच्चिदानंद विग्रह रहते हैं भगवान। तो इस तरह से भगवान जो है वो सदैव जो है वो सच्चिदानंद रहते हैं, वो भौतिक कलमश से प्रभावित कभी नहीं होते। तो भगवान का जो तेज है, ब्रह्म तेज जो है, इसके पीछे भगवान का स्वरूप है। तो मंत्र 17 में जो अभी जो भक्त है वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि अभी आप ब्रह्म ज्योति का हटा लीजिए ताकि आपका जो दर्शन कर सकें, और अंतकाल में क्या मानसिक स्थिति रहेगी। तो अंतकाल में जो भक्त प्रार्थना करता है वो इस श्लोक में दिया गया है। वायु अनिल अमृत अथ इदम भस्मातम शरीरम ओम क्रतो स्मरह कृतम स्मरह क्रतो स्मरम कृतम स्मरह है ना, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो ओम क्रतो स्मरा कृतम स्मरा क्रतो स्मरा कृतम स्मरा है ना। तो यहाँ पे मतलब है कि कह रहे हैं कि इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दो, भस्मातम है ना, कि भगवान ये शरीर जो है तो भौतिक शरीर है और इसको क्या करने दो आप, क्षण भंगुर ये शरीर है ना, क्योंकि भौतिक तत्वों से बना हुआ है, तो इसे भस्म हो जाने दो और प्राण वायु को वायु कोश के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दो है ना, जो हमारी प्राण वायु है उसको भी विलय हो जाने दो। उसके बाद क्या करो भगवान, क्योंकि मैं ये हूं नहीं है ना, मैं शरीर हूं नहीं, तो मैं हूं आत्मा। तो अब आप क्या करो, ये करने के बाद जनरली जो रियलाइजेशन क्या होती है, अगर देहात्मक बुद्धि में रहते तो देह खत्म तो सब खत्म है ना। लेकिन भक्त देखिए आगे का ज्ञान बता रहे, अब हे भगवान मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें। अब मैं तो स्मरण नहीं कर सकता क्योंकि मेरी दशा नहीं है, तो अब आप उन सभी क्रियाओं को स्मरण करें जो मैंने कभी आपके लिए किया है, क्योंकि आप चरम भोक्ता हैं, इतव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है भगवान कृतो स्मरा कृतो स्मरा, मेरे कृत को आप जो है स्मरण कीजिए, हे कृतम जो मैंने आपके लिए किया है उसका आप स्मरण कीजिए है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त तो होता है इस बात की चिंता नहीं करता। भगवत गीता में भी दो तरह से मृत्यु को प्राप्त होने के रास्ते बताए गए, प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग है ना। तो प्रकाश मार्ग से कोई जाता है तो वो उच्च गति को प्राप्त होता है, और अंधकार में जाता है मार्ग से तो वो निम्न योनियों को अधम योनियों को प्राप्त होता है। लेकिन वहां पे भी शिल प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भक्त है वो इस बात की चिंता नहीं करता कि वो प्रकाश मार्ग से जाएगा कि अंधकार मार्ग से,
वो केवल ये चिंता करता है कि हर अवस्था में वो भगवान का स्मरण करता रहे। तो देखिए यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि भगवान अगर आप स्मरण करेंगे तो क्या होगा, हम आपके बारे में आपके धाम में चले जाएंगे, है ना। तो कृपा कीजिए मुझ पर। और आप क्या कर रही है, अगर ये शरीर को भस्म होना है तो भस्म हो जाने चाहिए, प्राण वायु को जहाँ विलीन होना वह विलीन होने जाने दीजिए, लेकिन मैं आपका हूँ और अब इस समय अवस्था जो ऐसी है मैं आपका स्मरण नहीं कर सकता, तो अब आप हमारे कृत्यों को स्मरण कीजिए। यहाँ पे श्री कृपा तात्पर्य में बताते हैं, तो आज आज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी है। लास्ट महाराज का कल जो है वो संन्यास इनिशिएशन है, 48। आज जपा टॉक बहुत स्पेशल था और बहुत सुंदर था, तो आज का जपा टॉक आपको सुनना चाहिए। श्री सखी ग्रुप पर भी है कि गुरु के बारे में जब हम कुछ सुनते नहीं, इसे गुरु से प्रेम नहीं होता, तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दीक्षित भक्तों की कि अपने गुरु के प्रति स्नेह को उजागर करें। तो क्या कर सकते हैं, वो गुरु संग साधु संगी के साथ जब हम रहेंगे, जब हम सुनेंगे, तो ही हमें गुरु से प्रेम होगा। तो आज की जो जपा टॉक है उसको जरूर सुनिए, कल की भी जपा टॉक जरूर सुनिए, 2 दिन है। और कल तो गुरु महाराज ही एड्रेस करेंगे कि महाराज की किस तरह से संन्यास दीक्षा हुई, किस तरह से देखिए महाराज को लोग सारे सीनियर डिसाइपल्स जो हैं गुरु महाराज के बारे में बता रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि गुरु महाराज एक साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान के गोलोक धाम से आए हैं और हमें इस योनियों से मुक्त करने आए हैं, हमें अपने घर वापस लेने के लिए आए। तो इस तरह से गुरु महाराज की कृपा से आज हम श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना, और अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तो गुरु के बारे में जानने का सु अवसर है। तो हम महाराज से के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे और उनके जो भी श्रील प्रभुपाद के लिए इच्छाएं हैं वो उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो आज ये जो भक्त है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भक्त भी क्या कर रहा है, सारी बातें जो समझ रहा है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान भौतिक नहीं है। तो श्री प्रभुपाद बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेट करके लास्ट में ही कहते हैं कि यदि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाएंगे। केवल आध्यात्मिक लेने से या केवल भौतिक ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ा जाता है वो तो अविद्या है, वो तो ना भौतिक है ना आध्यात्मिक है। तो वो तो बिल्कुल बेकार है, उसको पढ़ के हम कोई भी गति प्राप्त नहीं कर पाएंगे और मनुष्य जीवन जो है वो डिस्ट्रॉय कर। तो यहाँ पे लास्ट में प्रार्थनाएं बताई गई, तो प्रार्थनाएं भक्ति का एक अंग है ना, जैसे श्रवणम कीर्तनम, है ना। तो कीर्तन करना, भगवान की कीर्ति का गान करना, भगवान से प्रार्थना करना, ये भक्ति का एक अंग है। तो जब लास्ट स्टेज रहती है तो जीव केवल प्रार्थना ही करता है ना। तो ये यानी किसकी ओर इंगित कर रहा है कि सर्वोत्तम पद्धति क्या है, भक्ति है ना। कर्म योग ज्ञान योग सर्वोत्तम पद्धति वो भक्ति। तो ये क्षण भंकुर शरीर निशीष पराया वस्त्र है, भगवद गीता में कहा गया कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवात्मा का नष्ट नहीं होता, है ना। तो जीवात्मा का रूप निराकार और या निर्विशेष खाली नहीं होता, ये शरीर तो आवरण है हमारे ऊपर, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ना वैसे ये शरीर है। तो भौतिक वेश जो है वो आकारहीन होता है, अविनाशी होता है, व्यक्ति के रूप में के अनुसार आकार ग्रहण करता है। जैसा हमारी आत्मा है, शरीर है, जैसा योनि मिलता है, फिर वैसा हम शरीर धारण करते हैं। कोई भी जीव निराकार नहीं होता, कम बुद्धि वाले लोग गलती से ऐसा सोचते हैं। इस मंत्र में पुष्टि की गई कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने पर भी जीव का जो अपना एग्जिस्टेंस है वो रहता है। तो आत्मा का मतलब केवल दिया नहीं होता है कि एक दीपक जल रहा है वो आत्मा है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। आत्मा का अपना स्वरूप होता है, जैसे हमारा अभी का रूप है, ऐसे आत्मा का भी अपना पूरे शरीर होता है, सुंदर शरीर होता है। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीवों की उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको शरीर मिलता ही जाता है और इस जगत में हम फंसे रहते हैं। तो हम ज्यादातर सूकर का जीवन जीते हैं, है ना। फिर क्या होता है, जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्कर में हम पड़े रहते हैं और बार बार योनि लेके हम बार बार यही पुनः पुनर्चरणवित चरणाम करते रहते हैं, है ना। इंद्रिय तृप्तियों में ही लगे रहते हैं, इसीलिए हम एक के बाद दूसरे 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहते हैं। हम आत्मा है, हम शाश्वत है, मरने जीने से, बुढ़ापा से, जन्म से, मृत्यु से, रोग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ढो रहे हैं।
कितनी बेवकूफी वाली बात है। और फिर हम क्या करते हैं, इस किसी भी मनुष्य योनि में शरीर प्राप्त होकर हम अपने आप को बहुत ज्ञानी बनते हैं ना? कितना ज्ञान है हमें कि हम जो हैं वो ही नहीं जानते कि हम कौन हैं, है ना? तो जिंदगी भर हम क्या करते हैं, दूसरों को के लिए जीते हैं। अपने सेल्फ रियलाइजेशन तो हमें है ही नहीं कि हम हैं कौन, हम कैसे सुखी होंगे। हमेशा सबे सदैव दूसरों की आसक्ति में, दूसरे से प्रेम करने में अपने आप को किन योनियों में हम भटकाते आ रहे हैं। तो जब हमें रियल वेलविशर कैसे, यानी गुरु लोग, गुरु की परंपरा से हमें जब भगवान के बारे में पता चलता है, तब जीव जो है वो बाकी लोगों की जगह भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, सबकी सेवा होती है, क्योंकि भगवान मूल है, कोई छूटता नहीं है। जब भगवान की कोई व्यक्ति करता है तो व्यक्ति की अपने घर के लोगों की भी फिर उसके अंदर आती है दया भाव, तो उनके साथ भी कर्तव्य निभाता है, रिलेशन रखता है, फिर समाज के साथ भी रिलेशन रखता है, समझ रहे हैं? तो व्यक्ति जब भगवान से रिलेशन रखता है तो सभी के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव जो अज्ञानता में रहता है तो क्या करता है, वो अपने आप को भौतिक शरीर मानता है और भगवान की भक्ति ना करके वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रयासों में लगा जाता है, जिससे वो क्या करता है, विभिन्न विकास क्रम की प्रक्रिया में चला जाता है। 84 लाख योनियां कंप्लीट करेगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर वो नीचे गिरेगा, फिर ऐसे चक्र चलाते रहते हैं। फिर क्या होता है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवरम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्रम भवति। फिर हर जन्म में क्या होता है, देहांतरण होता है, क्रमबद्ध, है ना? पैदा होता है, बड़ा होता है, यंग होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, ये चलता रहता है। तो इस तरह से हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि शरीर के राख हो, यहाँ पे क्या प्रार्थना करा कि मेरा शरीर राख हो जाने चाहिए, प्राण वायु को छोड़ देने चाहिए। लेकिन भगवान आप क्या कीजिए, मैंने जो आपके लिए किया है उसका स्मरण कीजिए। तो आत्मा को वायु चक्र से उठकर अन्य चक्र तक उठना होता है। तो प्राण वायु, 10 10 प्राण वायु हमारे शरीर में होती है, जो कि हमारे आत्मा के ऊपर होती है, है ना? तो इस जहां पे बता रहे कि योगी जो है अपने इच्छित लोगों को जा सकता है इसकी विधि के द्वारा, भौतिक शरीर त्याग करके वो उस शरीर में, जिस लोक में जाना चाहता है, फिर उस लोक में चल जा सकता है। जो सिद्ध होते हैं, परमात्मा रियलाइजेशन करते हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो वो लोग देखिए योग में क्या करते हैं, इन्हीं प्राण वायु को नियंत्रित किया जाता है, है ना? जैसे हम प्राण वायु, हमारी प्राण वायु है, तो हम लोग कुछ भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं, तो हमारी प्राण वायु ठीक नहीं होने के कारण इसीलिए बीमारियां होती हैं। तो योग में किया क्या जाता है, इन्हीं वायुओं को नियंत्रण किया जाता है। यहाँ भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव की इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, शरीर बदलने के लिए फिर बाध्य होता है। जीव जब सुनता नहीं है और दिन भर हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा शरीर बदलने की क्रिया में बाध्यता रहती है। भौतिक जगत में ही रहते हैं और यही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम करते रहते हैं। हमें भगवान के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं होता है। अगर बाय द वे थोड़ा सा नॉलेज होता है, धर्म काम मोक्ष के बारे में नॉलेज होता है, मोक्ष जो है मनुष्य जीवन के लिए अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है ना, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और ये किसी भक्तों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो बाकी के मंत्रों में भी बताया गया है कि जो दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति परिपूर्ण है ना? तो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि भगवान की है, उसमें भी क्या है, सत्य पहलू के बारे में साक्षात्कार होता है। यदि कोई ब्रह्म रियलाइजेशन करता है तो क्या जानता है कि भगवान सत्य है, यानी भगवान है और वो क्या है, लाइट है। तो जीव इंद्रियों का भोग करना चाहता है तो उन्हें भौतिक जगत में स्थानांतरित कर लेता है। भाई अगर हम चेतन तत्व हैं और हम, हमारा जो नेचर है वो सेवा करना है ना, तो सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, हम लाइट की सेवा कैसे करेंगे और कितने दिन तक बिना काम किए रहेंगे? तो क्या होता है, फिर हमारा वापस भौतिक जगत में फॉल डाउन होता है। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर, भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके कार्यकलापों या यज्ञों का स्मरण करे, जिससे वे अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किए थे। यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, वो अपनी भौतिक शरीर में अस्तित्व काल में अपने जघन्य कार्यों को स्मरण करता है और फलस्वरूप मृत्यु के बाद वह दूसरा शरीर प्राप्त करता है। जो पापी होता है क्या करता है, भाई जो उसने जीवन भर किया है वही तो याद रखेगा ना,
क्योंकि मृत्यु के समय पूरी रील की तरह जैसे फिल्म घूमती है ना, ऐसे हमारे पूरे जीवन की रील घूमती है। तो जब कुछ अच्छा किया ही नहीं हुआ तो जाएंगे क्या? तो जो अगर कोई भक्ति करता क्या है, हाँ अरे रथ यात्रा, अरे जन्माष्टमी मनाई थी, अरे ये धाम गए थे, अरे बरसाना गए थे, है ना? तो ऐसे ही वो यादें सामने आ जाती है तो क्या हो जाता है, जीव उनको स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं। तो भगवद्गीता में कहा यम यम यापि स्मरण भावम, ये हमारा सिद्धांत है कि जिन भावों को रहते हुए हम शरीर त्यागते हैं उसी भाव के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। तो यदि हम पशु जीवन मनुष्य जीवन रखे पशु योनि के कार्य करेंगे तो हमारे पास वही होगा। तो भगवद्गीता में बताया गया कि यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे लेकिन अगर भक्ति सेवा में रहता है तो भगवान कहते हैं कि उसको सादी भी मांग, इतना भक्ति की महिमा। लेकिन हम देह नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, ये सब ज्ञान के ऊपर का ज्ञान क्या है कि हम भगवान के हैं। और जब तक हम भगवान की प्रेममय सेवा नहीं करेंगे तब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे। तो ब्रह्म रियलाइजेशन अपूर्ण नॉलेज है, परमात्मा रियलाइजेशन अपूर्ण नॉलेज है, इसीलिए जीव का फॉल डाउन हो जाता है ना। लेकिन भक्ति का जो नॉलेज होता है वो पूर्ण होता है और उसको प्राप्त करने पर जीव क्या होता है, सही में संतुष्ट हो जाता है। अब देखिए हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करोड़ों साल से लोग कर रहे हैं, कोई बोर नहीं होता है, बोर होता है कोई इन नामों से बोर नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये सच्चिदानंद नाम है, ये भौतिक थोड़ी है, ये चेंज करना है कोई चेंज नहीं करने का है, हमेशा नवीन रहता है भगवान का जित नाम जो होता है। सांदीपनि मुनि के आश्रम में जब कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे तो सांदीपनि मुनि ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी कार्य करोगे, जो भी कृत्य करोगे वो सदैव नव नवीन रहेगा। मतलब हमेशा भगवान के कार्य कैसे लगते हैं, अरे ये तो सुना, ऐसे तो सुना ही नहीं था, वही भगवद गीता फिर से पढ़ के देखो, अच्छा ये बात लिखी थी क्या इसमें कितना सुंदर, हर समय नवीन रहता है। तो कुंती महारानी भी इसीलिए भगवान जो है क्या कहते हैं, भक्तों को बहुत प्रिय है, इसीलिए कुंती कुंती पुत्र अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं कि अगर मैं घोषणा करूंगा तो क्या होगा, पक्षपात होने का आरोप लग जाएगा कि मैं भक्तों का साइड ले रहा हूँ, इसलिए अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सदैव अपना मन भगवान के चिंतन में लगाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसा भगवान ने भगवद गीता में कहा मन मनामो पर भक्त। तो भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या कैसे करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संत के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए, भले ही वो सुदुराचार या दुष्चरित्र क्यों ना हो। मान लीजिए कोई भक्त है, उसने संन्यास ग्रहण किया या ब्रह्मचर्य जीवन ग्रहण किया है, उसे कोई अपराध हो जाते हैं अनजाने में, पूर्व जन्म की कोई चीजें सामने आ जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करता रहे। तो जीवन संग्रह के सब शरीर पालन के लिए क्या करना चाहिए, बद्ध जीव दो प्रकार के कार्य करने होते, एक तो शरीर के पालन के लिए, दूसरा आत्म साक्षात्कार के लिए। तो सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के लिए होते हैं। अब मनुष्य के कार्यकलाप उस भाग में जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है उसके लिए भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न करना, हाँ दोनों कार्य हमें करना है, शरीर का भी पालन करना है और आत्म साक्षात्कार भी। तो जो ही भक्त जो है वो भगवान की भक्ति करता है तभी क्या होता है, भगवान शरीर के लालन पालन भगवान जो है वो करते हैं, वैसे भी कर रहे हैं भगवान, तो जीव जो है इन सब चक्रों से मुक्त हो जाता है। तो जब भक्त भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंचा पाता, जैसे कभी कभी होता है भाई भक्ति की है, अच्छी भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी शरीर त्याग करने का समय आ गया, तो क्या करते हैं भगवान उसको पूरा कर देते हैं, भगवान उसके कार्य को पूरा करते हैं। देखिए हमारे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है श्री प्रभुपाद का मूवमेंट, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। श्री प्रभुपाद जस्ट एस्टेब्लिश करके गए थे कुछ चीजें है ना, लेकिन उनके जाने के बाद ये संस्था उनके शिष्यों ने और नर्चर की और भगवान ने पूरे विश्व में इस प्रचार को और बढ़ा दिया है ना। जनरली उस व्यक्ति के जाने के बाद, इस संस्था जाने के बाद जो इतना प्रचार नहीं करती। तो यदि मनुष्य सही मार्ग पर चलता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और पूर्णता प्रदान करते हैं। तो भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती,
जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनको भगवान का ये विशेष प्रेम नहीं मिल पाता, विशेष कृपा नहीं मिल पाती है। तो इस मंत्र में सारी सुविधाएं परम सत के साकार स्वरूप की ओर इंगित कर रही हैं कि भगवान का केवल ब्रह्म ज्योति नहीं होती, भगवान का एक साकार स्वरूप है जो नियंत्रित करता है ना। प्रार्थना हम किसको करते हैं, व्यक्ति को करते हैं, है ना। तो भगवान की भक्ति व सेवा अनिवार्य भक्त द्वारा संपन्न 9 प्रकार से की जाती है। तो 9 प्रकार से हम भक्ति करते हैं जो सबको पता है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्म निवेदनम, अपना सर्व कुछ। और इनके आचार्य हैं अलग अलग, है ना। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है श्रवण के आचार्य हैं कौन है, सबसे पहले परीक्षित महाराज, है ना। फिर इसके बाद है सुखदेव गोस्वामी, फिर अक्रूर जी हैं, फिर प्रहलाद महाराज हैं, पृथु महाराज हैं, है ना। फिर उसके बाद लक्ष्मी देवी हैं, फिर दास्य में हनुमान जी आते हैं, साख्य में अर्जुन आते हैं, और जो आत्मनिवेदन है उसमें बलि महाराज आते हैं। तो जो नवदा भक्ति होती है, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है, शास्त्र में बताए। तो जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भक्ति है। हम भगवान के बारे में कीर्ति गान कर रहे हैं, प्रेयर्स बोल रहे हैं, ये भक्ति है ना। तो हम कोई एक विधा का भी पालन कर सकते हैं और सभी विधा का भी पालन कर सकते हैं, जिससे कि हम कर सकते हैं। तो चैंटिंग करने के लिए हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। हमको धामबाज करना होता है, हमें शास्त्र पढ़ने होते हैं, हमें अर्चा विग्रह की सेवा भी करनी होती है, साधु संग भी करना होता है, तब जाके नाम में रुचि डेवलप होती है। इस तरह से हमें एक, अगर नाम में रुचि है तो ठीक है, लेकिन अगर रुचि नहीं है तो हमें इन सब साधनों का भी उपयोग करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज का हमेशा शुरू से ही प्रश्न था कि प्रत्येक मनुष्य का विशेषता मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक ही श्लोक में जवाब दे दिया था, थोड़ी भागवतम तो बाद में बताए, लेकिन एक ही श्लोक में बोले कि तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तव्यस्य स्मृत स्वेक्षातव्य है। कि समस्त चिंताओं से मुक्त होने का अगर कोई एक सुख है तो उसे चाहिए कि परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के बारे में सुने। श्रीमद भागवतम 2:15 में ये बताया गया, क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, जिसकी मृत्यु होगी या होने वाली है, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, एकमात्र भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, बोलना चाहिए, भगवत गीता मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो इस बार भी गीता जयंती आने वाली है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने जो डोनेशन की लक्ष्मी है वो हमें दे दें, कितनी भगवत गीता स्पॉन्सर करेंगे आप लोग, अगर बांट सके तो अच्छी बात है, नहीं बांट सके तो आप हमें दे दीजिए, जिससे कि हम अनाथालयों में और अन्य जगहों पे श्री कृपाद की जो बुक है, जो कभी कभी कोई लोग डिस्काउंट मांगते हैं, इनके पास ना धन नहीं होता लेकिन पढ़ना चाहते, तो हम ऐसे लोगों को वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तथाकथित मानव समाज में क्या होता है, रात्रि सोने में और संभोग करने में ही निकल जाता है, धन कमाने में और वस्तुओं खरीदने में लोग अपना सारा जीवन जो है नष्ट कर देते हैं। और फिर अगर थोड़ी बहुत वो जिज्ञासा करते भी हैं तो क्या होता है, निराकार ब्रह्म से के ज्ञान में लग जाते हैं, तो मनुष्य जीवन जो है वो सारा व्यर्थ कर देते हैं। मनुष्य जीवन को सांसारिक, राजनीतिक एवं सामाजिक तथा कथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कर प्रजल्प में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीजें शून्य है, जीरो हो जाएगी। हमें हमेशा भगवान का श्रवण करना चाहिए। तो ईशो परिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलाप करने को, हमें प्रार्थना करने को सिखा रहा है, भक्त यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है ना। यदि कोई आप मेरे भगवान, आप मेरे कृत्यों का स्मरण अब आप कीजिए, क्योंकि अब हम शरीर त्याग रहे हैं। यदि कोई भक्त अभ्यस्त नहीं होता तो मृत्यु के समय उसे भगवान का स्मरण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर मृत्यु, अरे ये है, इसका पैसा देना है, इसका ये करना है, कैसे हम, कैसे हम नहीं रहेंगे तो घर का पालन कौन करेगा, मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा। आप नहीं थे तब भी उनका पालन हो ही रहा था, अभी भी हो ही रहा है, और आपका भी पालन भगवान ही कर रहे हैं। लेकिन भ्रम इतना है कि हमको लगता है हम नहीं होंगे तो क्या हो, है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि यदि कोई भक्त अभ्यास नहीं था तो उसको भगवान का स्मरण नहीं होगा। जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ होता है तो परम शक्तिशाली भगवान यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकता है, लेकिन अगर नॉलेज हो तो क्या करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा। भगवान
आप मुझे इतनी शक्ति दिए कि एंड टाइम तक हम आपका स्मरण कर पा रहे हैं, अब स्मरण नहीं हो पा रहा है, कृपया अब आप हमारा स्मरण कीजिए। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो शिल प्रपा लिखते हैं कि इंद्रियों को अपने स्वार्थ से रोकना ही यज्ञ है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना क्या है? यज्ञ। आंखों का, कान का, नाक का, है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संन्यास, संन्यास का मतलब होता है सम माने पूर्ण और न्यास माने त्यागना, है ना, तो विरक्ति करना, संपूर्ण रूप से विरक्ति होनी चाहिए। यानी विरक्ति का मतलब रूप गोस्वामी समझाते हैं कि फल्गु वैराग्य नहीं होना चाहिए, निर्बंध कृष्ण संबंध है, कृष्ण होना चाहिए, हर चीज भगवान से संबंधित है, ये सही वैराग्य है, युक्त वैराग्य इसको कहा जाता है ना। लेकिन लोग उल्टा वैराग करते हैं, नहीं 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 ये सब भौतिक है, ये सब बंधन का कारण है, क्या करना है छोड़ दो, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे। ज्यादातर लोग भक्ति का मतलब यही समझते हैं, लेकिन भगवान कहते भक्ति का ये मतलब नहीं। भक्ति का मतलब है ये समझना कैसे सारी चीजों के मालिक कृष्ण है, सब संपत्ति भगवान की है और हम भी भगवान के हैं, इसलिए मैं भगवान की सेवा करूँ। तो मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना चाहिए। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, सरेंडर करनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, फिर उसके बाद सुनना चाहिए। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। जब भक्ति की कला सीख लेता है तो फिर क्या कर सकता है, अंत काल में उसे भगवान का स्मरण होगा, जिससे क्या होगा कि उसको गंतव्य जो है अपना मिल जाएगा। ईशो परिषद की जाय, शिल प्रपाद की जाय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जाय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।